हाँ, तो हम कहां थे कि नाउ वी विल लोकेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज माय एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ठीक है ना। तो इसके लिए t इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के, a, 2a। तो ये कब आएगा, व्हेन आई विल पुट t हियर इज इक्वल टू 1, जब मैं इधर t को 1 रखूंगा तो ये आएगा, दैट मींस दिस करस्पोंड्स टू t इक्वल्स टू 1। एंड सिमिलरली t इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए आएगा, बिकॉज t इज इक्वल टू माइनस 1 मैंने इसमें रखा, तो आई गेट a, माइनस 2 विच इज नथिंग बट अदर एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलो ये तो हुआ अपना ये दो पॉइंट्स, और पॉइंट्स कवर करते हैं। अब मैंने बोला इसमें अगर t 0 डाला तो क्या आएगा, देखो 0 आएगा, p 0, 0, दैट इज नथिंग बट ओरिजिन। तो ये हमारा पॉइंट आया दैट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल्स टू 0। तो 0 के लिए ओरिजिन, 1 के लिए 1 एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, t इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए दिस एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब बचे हुए वैल्यूज ऑफ t के लिए देख लेते हैं, बिकॉज t बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना, t तो कोई भी वैल्यू ले सकता है पैरामीटर। तो अब देखना मैं शेड कर रहा हूं ब्लू से शेड, दिस रीजन के लिए जो मैं अभी शेड कर रहा हूं टिल हियर, दिस करस्पॉन्ड्स टू टी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन। टी अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो तुम कोई भी वैल्यू लो टी के 0 और 1 के बीच में, एंड इफ यू पुट इट हियर यू विल गेट द पॉइंट ऑन दिस रीजन ऑफ पैराबोला, ठीक है। सिमिलरली अब मैं दूसरे कलर से शेड कर रहा हूं, ऊपर चलते हैं और ऊपर बढ़ते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसके लिए, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए टी इंफिनिटी तक जाएगा ये, तो टी इज ग्रेटर देन 1, टी 0 टू 1 एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन 1 डी 0। अब इधर आते हैं, तो इधर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, लेट्स से ये कलर। तो इतने पार्ट के लिए क्या होगा, नेगेटिव फ्रैक्शन। तो इसके लिए, इस रीजन के लिए टी मेरा क्या होगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस 1, फिर t इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए, और लास्टली आई मेक इट विथ डिफरेंट कलर, ये वाले रीजन के लिए, इस रीजन के लिए मेरा t का वैल्यू क्या होगा, t लेस देन माइनस 1। गॉट इट। सो फॉर वी हैव कवर्ड एवरी t की x, t बिलोंग्स टू माइनस r से r के लिए हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस पैराबोला पे, ठीक है। t की एक वैल्यू के लिए आई विल गेट सिंगल एक पॉइंट ऑन द पैराबोला, पक्की बात है। ओके चलो, तो ये तो हो गया हमारा फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, कौन सा रीजन है, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये वाला पॉइंट है, टी इज इक्वल टू 1 जो होता है दैट करस्पॉन्ड्स टू एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज। ओके नाउ लेट्स मूव टू द पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर डिफरेंट अदर पैराबोलास, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया 80 square, 280, दैट इज फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो बाकी जो हमारे चार और बचे उनके लिए और लिख लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन मेक अ टेबल, तो पहले तो मेरा यही वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर मैंने ले लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, और फिर वो वर्टिकल वाला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड लास्टली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो पैरामेट्रिक पॉइंट, तो इधर क्या लेते हैं हम 80 square, 280, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, केवल ऐसे याद रखना 80 स्क्वायर की जगह माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा तुम्हें लगा कि मान लो गलती है या सही है, माइनस इधर आएगा इधर, इस टाइम के अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो यू कैन क्रॉस वेरीफाइड, यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दीस पॉइंट्स हियर, यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस 80 स्क्वायर मैंने इसमें रखा, तो क्या इधर इधर एक्स ये माइनस 80 स्क्वायर रखूंगा तो इधर आ जाएगा 4a² t² और वाई की जगह 280 रखूंगा तो 4a² t², तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, दैट मींस दिस इज परफेक्ट, ठीक है ना। और जो मैं ये लिखवा रहा हूं दीज आर ऑल स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैंने जनरेट किया है, दीज आर स्टैंडर्ड्स, बाकी हम ले तो कुछ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के अल्फा डाल दिया फिर देख लिया वाई क्या आ रहा है, ठीक है, बट दीज आर द स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक पॉइंट्स। उसी प्रकार अब इस वाले के लिए, अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, खुद सोचो, एक्स और वाई का रोल रिवर्स हो गया बस, जहां एक्स है वहां वाई है, जहां वाई है वहां एक्स है, तो इधर भी पैरामीटर में उल्टा हो जाएगा, बस ये दोनों क्वांटिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी कोऑर्डिनेट्स, तो यू विल गेट 280, 80 स्क्वायर। और जैसा कि आपने बताया नेगेटिव होता था तो क्या होता है, 80 स्क्वायर के साथ नेगेटिव आता है, तो इधर भी हमारा क्या होगा 280, -80 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यू कैन मेक अ सेपरेट टेबल हियर, अदरवाइज हमने पहले जब वो लिखा था क्या बोलते हैं डायरेक्ट रेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह, वो एक टेबल बनाई थी फॉर ऑल दीज फोर पैराबोलास, यू कैन एड एक्स्ट्रा कॉलम अगर उधर जगह है तो, ठीक है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट्स करके ऐसे पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है, एंड यू कैन कॉपी देयर ऑल्सो, अदरवाइज नहीं है उधर जगह तो एक अलग बना लिया, ठीक है ना। बट इसके लिए तो एकदम टेस्ट पे होना चाहिए बिल्कुल, ये हमारा मतलब पूरा चैप्टर में चलने वाला है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट की थी तो फोकल डिस्टेंस से स्टार्ट किया था, ठीक है ना।
तो उसी पर मैं दोबारा रिट्रीट बैक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उस पैरामीटर उस फोकल डिस्टेंस को नाउ आई विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टी। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अपन ने स्टार्ट कैसे किया था एक बार रिकॉल करते हैं, ये मेरा पैराबोला है ठीक है, फोकल डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस एस, फिर हमने बोला था दिस इज इक्वल टू पीडी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो पी एस इज द फोकल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू पीडी एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, अगर पी का एक्स कैसे आया था, ये ए डिस्टेंस है ये एक्स है xp, तो a प्लस xp। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली बस xp की जगह p का पैरामीट्रिक पॉइंट डाल रहा हूं, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, दैट इज at स्क्वायर, क्योंकि p का x कोऑर्डिनेट क्या है at स्क्वायर कॉमा 2at, तो at स्क्वायर इधर रख दिया, तो a प्लस at स्क्वायर व्हिच कैन फर्दर बी रिटन एज a into 1 plus t स्क्वायर। सो इस फॉर्म में भी हमने फोकल डिस्टेंस को याद रखा ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे अब a into 1 plus t square लिखा है, अब 1 के 1 में 1 पे जो प्लस कर रखा है t square तो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, जीरो या जीरो से बड़ा, तो ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन t जीरो, और मुझे पता है t जीरो किसको करस्पॉन्ड करता है, वर्टेक्स को, तो उधर भी हमारा वही रिजल्ट आया था xp जीरो होता था, तो उधर हमने बोला था वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस अमंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, जो सबसे नजदीकी पॉइंट है दैट इज व्हाट माय फोकस। तो फॉर t इज इक्वल टू जीरो PS will be minimum and will be equals to A simply, ठीक है ना, ये हो जाएगा basically इतना distance, ठीक है, this is the nearest point from the focus, got it? चलो अब ये तो हो गया पहला result, अब दूसरा सुनना ध्यान से, जो तुम्हारा frequently use होगा वो कुछ formulas मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखने, हालांकि then and there you can drive but still you have to memorize। एक आता है generally question काम में, इस line का slope, मैंने ये लाइन क्या है बेसिकली P पॉइंट को एक जनरल पॉइंट P है at square comma 280, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, तो इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा टू पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 280 माइनस जीरो अपॉन 80 स्क्वायर माइनस जीरो विच इज नथिंग बट 2 बाई टी, ये मेमोराइज करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है इसके अंदर विच इज इंपॉर्टेंट इज स्लोप ऑफ पी एस, P is any general point on the parabola, S is focus. तो इसका भी काम आता रहता है बीच बीच में, तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इसको याद रख सकते हैं। बाकी निकालेंगे कैसे, टू पॉइंट फॉर्म में विच इज 280 वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एटी स्क्वायर माइनस ए, सो दिस विल गिव यू टू टाइम्स टू टी सॉरी टू टी ए कैंसिल हो गया टी स्क्वायर माइनस वन, तो इसको भी हमने याद रख लिया ठीक है। चलो अब आते हैं ये तीन रिजल्ट, अब चौथे रिजल्ट पे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू, स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू। तो एक काम करता हूं उसको एक्सप्लेन करने के पहले इसको रब कर देता हूं ठीक है, सो तुम लोग वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्लोप जॉइनिंग टी वन एंड टी टू मतलब क्या हुआ, जैसे याद है जैसे अपन सर्कल में कोई मैं बोलता था कि लेट्स से इस पॉइंट का पैरामीटर इज थीटा, दैट मींस व्हाट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। उसी प्रकार इधर है, अगर मैंने बोला ना किसी पॉइंट का पैरामीटर इज टी, दैट मींस कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज एटी स्क्वायर कॉमा 280। क्या बोला मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पैराबोला है ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मैंने बोला इस पॉइंट का लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी, इसका पैरामीटर टी है, इसका पैरामीटर टी है, दिस मींस कि इसका कोऑर्डिनेट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये समझ में आना चाहिए ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टी वन एंड टी टू, इसका मतलब इस पॉइंट का पैरामीटर पॉइंट इज टी वन और एक और पॉइंट है कोई तो पैराबोला पे लेट्स से क्यू पॉइंट, उसका पैरामीटर इज टी टू, तो दैट मींस क्यू के कोऑर्डिनेट इज ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब मुझे इस कॉर्ड का स्लोप निकालना है, बेसिकली इसका लाइन भी लिखेंगे नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आएगा, बट उस इक्वेशन लिखने के लिए आई नीड द स्लोप, तो मैंने एक स्लोप के लिए एक अलग पॉइंट लिखवा दिया ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि P पॉइंट इज T1, P Q पॉइंट इज T2, मींस P के कोऑर्डिनेट इज AT1 स्क्वायर कॉमा 281 एंड Q का पैरामीटर इज T2, मींस Q के कोऑर्डिनेट इज AT2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। गेट इट, अब इसका स्लोप निकले तो स्लोप क्या होगा, टू पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इधर ही लिख लेता हूं मैं, एम ऑफ पी क्यू टू ए टी वन माइनस टू ए टी टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर। तो इधर से मेरे को मिला टू ए कॉमन ले लिया, टी वन माइनस टी टू अपॉन
a times t1 square minus t2 square. तो मैं उसको लिख सकता हूँ t1 minus t2 into t1 plus c2, t1 minus t2 into t1 plus t2. So t1 minus t2 get cancel out. You are left out with 2 upon t1 plus t2. Get it? तो ये हम लोगों को याद रखना है. Slope of chord joining t1 and t2. Getting it? चलो. अच्छा एक चीज, अच्छा अभी अपन ने कुछ देर पहले देखा था, इसी के पहले जस्ट अभी देखा था, ये ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली इस लाइन का स्लोप m ऑफ p, अब याद देखा था ना, दिस ये कितना आया था 2 / t1 अगर इसका t1 है, तो इस ये जनरलाइज हो गया. कैसे जनरलाइज हो गया? अब मान लो इस कॉर्ड को, pq कॉर्ड को मैं p को फिक्स किया, इस q को मूव करते करते ओरिजिन पे लेके आया, तो ओरिजिन पे लेके आया इसका मतलब t2 इज 0. तो अगर मैं इधर t2 को 0 डालूं तो 2 / t1 आ गया, वही चीज 2 / t1. अभी देखे थे हम स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पैरामीटर पॉइंट t एंड ओरिजिन इज व्हाट 2 / t. यानी कि तो उधर से आ सकता है, ये t2 को 0 डाल दिया तो ये आ जाएगा, अगर मैं q पॉइंट को ओरिजिन पे लेके आया, ठीक है ना. चलो अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला. क्या इक्वेशन? इसी के अंदर फिफ्थ डाल लो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2. t1 एंड t2 मतलब at1 square comma 281 point and at2 square comma 282. तो pq लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेसिकली मुझे. तो सेम आर्टिकल हमारा किधर से सर्कल में भी था, याद है पहले एक बार सर्कल का एक बार रिवाइज करते हैं इक्वेशन, ठीक है ना. क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2. इस पॉइंट का पैरामीटर इज थीटा 1, इस पॉइंट का पैरामीटर इज थीटा 2. पैरामीटर थीटा 1 है, इसका मतलब क्या था, इधर इसके कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा 1 कॉमा a sin थीटा 1 एंड इसके कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा 2 कॉमा a sin थीटा 2. फिर हमने टू पॉइंट फॉर्म का यूज करके वी हैव रिटन द इक्वेशन. आया क्या था हमारा रिजल्ट, ऐसा आया था x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 / 2 प्लस y sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 / 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 / 2. याद है? तो उसी प्रकार अब हम इधर डील कर रहे हैं. अब हमारा इंस्टेड ऑफ थीटा पैरामीटर क्या है, t1. तो कोऑर्डिनेट इज 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड q इज 82 स्क्वायर कॉमा 282. ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो मैं ड्राइव कर रहा हूं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, वो तो एक ही लाइन का दो लाइन का होगा, बट उसका रिजल्ट जरूर तुम लोगों को एकदम टिप्स पे रखना है. चलो तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में. तो y माइनस ए टी वन, सॉरी y माइनस वाई वन 281 इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप अभी निकाला 2 अपॉन टी वन प्लस टी टू इंटू एक्स माइनस ए टी वन स्क्वायर. देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा है क्योंकि स्लोप तो हम पहले निकाल चुके, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये होगा वाई इंटू टी वन प्लस टी टू माइनस टू ए टी वन इंटू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ए टी वन स्क्वायर. इसको ओपन कर देते हैं, तो वाई टाइम्स टी वन प्लस टी टू माइनस टू ए टी वन स्क्वायर माइनस टू ए टी वन टी टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस 281 स्क्वायर. ये गेट कैंसिल आउट हो गया, सो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज 2x, एक तरफ लेके आया इसको, उधर लेके गया 2x माइनस t1 प्लस t2 इनटू y प्लस 2at1t2 इक्वल्स टू 0. द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो 5 बार, ठीक है, इसको एकदम टेस्ट पे रखना है. देखो सर्कल में मैंने तुम लोग को इतना स्ट्रेस नहीं दिया था कि इसको याद रखो, ठीक है ना. याद रखोगे तो अच्छा, ऑफकोर्स बेनिफिट रहेगा, बिकॉज जो ये वाली क्वेश्चन है वो हम इलिप्स और हाइपरबोला में पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की, सेम स्ट्रक्चर की. उधर मैंने इतना स्ट्रेस नहीं दिया था याद करने को, उधर इतना यूज होता नहीं है सर्कल में इस इक्वेशन का, तुमने देख भी लिया होगा, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, शीट्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, बट इसका इक्वेशन बहुत यूजफुल आएगा पैराबोला में, बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो इसको हमने याद रखा. इधर से स्लोप भी देख सकते हैं 2 / t1 + t2, वही चीज है, ठीक है ना. गेटिंग इट? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, पहले एक बार कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो देख रहे हैं. तो बिफोर दैट कॉपी करो एक एक पॉइंट जो भी बोर्ड पे मेंशन किया है, ठीक है. चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं. अच्छा रब कर, चलो कोई नहीं, उसी डायग्राम पे दोबारा आते हैं. तो मैं ये पूरा पार्ट रब कर रहा हूं, केवल इक्वेशन है नहीं देता हूं, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है और उसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, फ्रेम कैसा होगा, वो भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज माय पैराबोला, दिस इज माय पैराबोला, दिस इज माय कॉर्ड, दिस इज 81 स्क्वायर कॉमा 281 पॉइंट पी एंड लेट्स से पॉइंट क्यू इज 82 स्क्वायर कॉमा 282. तो हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली. अब माना मैंने एक मिनट के लिए कि लेट्स से इस इक्वेशन ने, मतलब इस लाइन ने, सॉरी इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया, लेट्स से अल्फा कॉमा 0 पे, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. तो ऑफकोर्स अल्फा कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इसमें मैंने रख दिया अल्फा कॉमा 0.
तो एक्स की जगह अल्फा रखूंगा तो क्या आएगा, टू अल्फा, वाई की जगह जीरो रखूंगा तो ये खत्म हो गया, प्लस टू ए टी वन टी टू इक्वल टू जीरो। फिर इधर से मेरे को मिलेगा ए टू भी जीरो के पास चला गया, तो इधर से आएगा टी वन टी टू इक्वल टू माइनस अल्फा, और इधर जो ए था वो इसके नीचे ले गया माइनस अल्फा बाय। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी स्टार मार्क कर लो, T1 T2 is minus alpha y. इसका importance क्या है? इसको समझते हैं थोड़ा कि ये actually property है parabola की, क्या है? इसका interpretation क्या है? कि देखो, जैसे मैंने बोला एक alpha comma zero एक point है x-axis पे, so इधर से इस point से तो there will be infinite chords, of course, जैसे one of the chord is this, let's say other chord is this, और chord बना दी मैंने, let's say ये chord हो गई, ठीक है? So there are infinite chords passing through this particular point alpha comma zero, but उन सभी chords में क्या खासियत होगी? उनका जो end points होगा ना, end point का जो parameter होगा, उनका product will be constant, because alpha comma, अगर मैंने बोला एक point fix हो गया ये, तो alpha constant है, parabola fix है हमारा, तो ये भी constant है, तो alpha by a constant हो गया। तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने p1 बोला, इसको Q1 बोला, इसको लेट से इस वाले कॉर्ड को P2 बोला और ये Q2 हो गया, इसका ये P3, ये Q3, ये P4, ये Q4, and so on। तो ये क्या बोल रहा है कि एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो T ऑफ P1 into T ऑफ Q1, दिस विल बी इक्वल टू T ऑफ P2 into T ऑफ Q2, this will be equal to t of p3 into t of q3 and so on, all these are equals to minus alpha pi। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि tp1 और tp2 बराबर होंगे, of course नहीं होंगे, वो अलग-अलग पॉइंट हैं, तो अलग-अलग पॉइंट का पैरामीटर तो डिफरेंट होगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए सेम पैरामीटर होगा ही नहीं, मैंने पहले बोला एक पैरामीटर के लिए, पैरामीटर की एक वैल्यू के लिए वी विल गेट अ सिंगल पॉइंट, बट ये दोनों अलग अलग होंगे, लेट्स से ये 2 है ये 4 है, और अगर मान लो ये मेरा 5 हुआ, लेट्स से चलो 5 हुआ, मान लिया 5 है, तो Q2 क्या होगा? फिक्स हो जाएगा, मतलब 5 into 2 10, 10 by 4, मतलब 10 by 4 लिख लो, getting समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि points के parameter तो अलग अलग होंगे उनका, लेकिन product constant आएगा सभी chords के लिए, अगर वो सभी chords alpha comma 0 से पास कर रही है, getting it? अब इसका application क्या है, इसके basis पे question कर लेते हैं, तो तुम्हें और picture clarity हो जाएगी कि how useful this result is, ठीक है? तो video pause करो, पहले इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको लैंग्वेज में, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन लैंग्वेज फॉर्म, और नहीं तो ऐसे लिख लेना इन फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द गिवन डायग्राम, ऐसे। तो आई विल जस्ट गिव यू द डायग्राम और डाटा बताऊंगा क्या क्या दे रखा है। ये डायग्राम है, लेट्स से उसने दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 8x, ओके, एंड देयर इज सम कॉर्ड, सम कॉर्ड, and this point is, this point is let's say apna 2,4, aur ye point maan liya maine 10,0, let's say this point is p, this point is q, this point is r, then ab usne kya pucha ki r ke coordinates kya honge, according aise likh lo from the diagram mentioned, find the coordinates of point r, find coordinates of point R। अब अपन यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक है? कैसे करेंगे आप देखना, R के कोऑर्डिनेट्स निकालना देखना, बहुत आसानी से आएंगे हमारे। देखो 2,4 है तो ये पॉइंट क्या होगा, जैसे इस पे एक जनरल पॉइंट क्या होगा, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, अच्छा ए मेरा 2 है बिकॉज 4x अगर 8 के बराबर, 8x के बराबर है ए इज 2, तो दिस इज बेसिकली 2t स्क्वायर कॉमा 240, जनरल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इज 2t स्क्वायर कॉमा 40, एक ही जगह 2 डाला, अब तो मैं दिख रहा है क्लियरली ये 2,4 है, ये 2t स्क्वायर कॉमा 40 है, दैट मींस p करस्पोंड्स टू t इज इक्वल टू 1, मतलब वो अपना एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है वो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं कि वो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, हमें केवल मतलब है उस पॉइंट का पैरामीटर क्या है, वो हमने देखा t इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? अच्छा अभी अपन ने रिजल्ट लिखा कि अगर कोई क्वाड है वो लेट से इसको अल्फा कॉमा जीरो पे कट कर रही है और लेट से इसका पैरामीटर इस टी टू, तो क्या देखा हमने, टी वन इंटू टी टू कितना होता है माइनस अल्फा बाय ए, अभी देखा अल्फा ए इधर क्या है 10 के बराबर, तो ये हो जाएगा टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू माइनस 10
अपॉन ए, ए आर इज टू, तो दिस इज माइनस फाइव. तो टी वन इज वन, तो टी टू का वैल्यू कितना आ गया माइनस फाइव. अच्छा टी टू का वैल्यू माइनस फाइव है तो पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आर के, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू. सो दिस इज ए इज टू, टी टू स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव कॉमा टू ए इज टू, टी टू इज माइनस फाइव. सो ये हो गया हमारा फिफ्टी कॉमा माइनस ट्वेंटी. दीज आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर. समझ में आया कैसे यूज हुआ हमारा ये पर्टिकुलर रिजल्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है. ठीक है. अच्छा इस क्वेश्चन को मान लो एक मिनट के लिए मेरे को ये डायग्राम दिया और मान लो मुझे पैराबोला से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आती अभी, मान लो मैंने पैराबोला स्टार्ट ही नहीं किया है चैप्टर, तब हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं वो और देख लेते हैं. मतलब सेम क्वेश्चन वी विल सॉल्व विद डिफरेंट मेथड. तो मेथड वन इसको लिख लो, नाउ वी विल सॉल्व विद मेथड टू. इसको मैं रब कर देता हूं. ठीक है. मेथड टू. अब मान लो मुझे पैराबोला से रिलेटेड कोई चीज नहीं पता है, देन हाउ डू आई प्रोसीड. तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा कि इस कॉर्ड पे मुझे दो पॉइंट्स पता है तो इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, उसको मैं पैराबोला के साथ सॉल्व कर लूंगा. ठीक है. तो मैंने पहले तो इक्वेशन लिखी पी क्यू की, तो टू पॉइंट फॉर्म में वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स फोर माइनस जीरो अपॉन टू माइनस टेन इन टू एक्स माइनस टेन. तो ये फोर और ये माइनस एट, तो माइनस वन बाय टू. तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टेन, तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन. ये हमारी इक्वेशन आ गई इस क्वाड की. अब मैंने क्या बोला, इसको और पैराबोला को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, इन हमें सॉल्व करने में मिलता क्या बेसिकली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ना. अगर एक्स, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, वाई में बनाई तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. तो लेट्स से मुझे पैराबोला के साथ सॉल्व करना है, तो बेटर है कि मैं एक्स को डाल दूं, बिकॉज एक्स का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा फिर मुझे. तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से एक्स उठा के उधर रख रहा हूं पैराबोला में. तो y square is equal to 8x, और x मेरा क्या हो गया 10 minus 2y. तो y में quadratic बनी, y square plus 16y minus 80 equals to 0. अच्छा अब सुनना, अब इस quadratic को हमें solve करने की पूरी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है जरूरत, द रीजन इज कि इसका एक रूट तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता है ना. बेसिकली इससे क्या आने वाला है, इसका एंड इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट इज 4, दैट मींस इसका एक रूट तो 4 है, तो एक दूसरा बीटा मान लिया. तो आई विल यूज सिंपली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट टू फाइंड द बीटा, दैट इज बेटर. तो लेट्स से मैं सम ऑफ रूट यूज कर लेता हूं, तो बीटा प्लस 4 कुछ भी कर लो, चाहे प्रोडक्ट कर लो चाहे सम कर लो, इज इक्वल टू माइनस 16. तो बीटा कितना आ गया माइनस 20. तो देखो उधर हमारा माइनस 20 आया था y कोऑर्डिनेट, तो आ गया y कोऑर्डिनेट. अब y कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या करो, इसको दोबारा इक्वेशन में रख के x कोऑर्डिनेट निकाल लो. तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस 2 इंटू माइनस 20, तो 50 आ गया. तो फाइनली वी आर गेटिंग कोऑर्डिनेट एज 50, -20 फॉर द पॉइंट r. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, चलो एक आध रिजल्ट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो बनाने वाला हूं दैट विल बी, कोशिश करूंगा उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लू जो भी हमने आज की क्लास में पढ़े, थ्योरी पढ़ी ना जितने भी. अभी कुछ बाकी, कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं वो और देख लेते हैं फास्ट. तो नेक्स्ट इज, मैंने बोला अभी जो हमने रिजल्ट देखा उसी के ऊपर, लेट्स अभी हमने देखा कि ये कॉर्ड है, ये टी वन है, ये टी टू है, और ये अल्फा कॉमा जीरो है. अब मैंने बोला कि इफ लेट्स इस पॉइंट, दिस इज पी क्यू कॉर्ड, मैंने बोला इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, देन अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड होगा तो बेसिकली मेरा अल्फा क्या होगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो मतलब ए कॉमा जीरो से पास करेगी. इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड देन अल्फा इज इक्वल टू ए ऑफकोर्स. देन जो मेरा रिजल्ट आया था टी वन टी टू इक्वल टू माइनस अल्फा बाय ए, वो क्या हो जाएगा माइनस ए बाय ए विच इज माइनस वन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. टी वन टी टू इज माइनस वन, दैट मीन्स वॉट कि अगर इसका पैरामीटर पॉइंट टी वन है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन बाय टी वन. गेटिंग इट, समझ में आ रहा है. अच्छा उसके बाद लेट्स से ये पॉइंट मेरा आ रहा है. ओके, अब देखना,
अब जैसे अभी अपन ने फोकल डिस्टेंस देखा था, सुनना ये तो हो गया एक, तो ये बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अल्फा बाय ए जो है ना वो तो जनरलाइज हो गया, उसका ये स्पेशल केस हो गया व्हेन अल्फा इज ए, दैट मींस माय कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब मैंने बोला इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए एक इसके हेल्प से हम फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले लिख लो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, सिक्स्थ हो गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब सुनना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम पी क्यू इज माई लेंथ, पी क्यू जो है मेरा दैट इज द रिक्वायर्ड लेंथ। तो पी क्यू को मैं दो ब्रेक में, दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, पी आर प्लस आर क्यू, बिकॉज दिस इज पॉइंट आर, तो दिस इज पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा, अब ये मेरा फोकस है, ऑफकोर्स अब अल्फा कॉमा जीरो नहीं रहा, ये मेरा ए कॉमा जीरो है। ठीक है ना, वो फोकल लेंथ फोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो फोकस से पास कर रही है। अच्छा, अब मैंने बोला पी पॉइंट, जस्ट फोकस ऑन पी आर, वट इज पी आर बेसिकली, जस्ट फोकस ऑन पी आर, मैं बोल रहा हूं केवल पी आर पे फोकस करो। पी आर है क्या, पी का फोकल डिस्टेंस, पी का फोकल डिस्टेंस। तो मैंने बोला पी आर क्या है मेरा, पी का फोकल डिस्टेंस, पी का फोकल डिस्टेंस। ठीक है, पी का फोकल डिस्टेंस। अच्छा, पी का फोकल डिस्टेंस अभी हमने देखा था, किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, देखना स्ट्रक्चर क्या होता है, ए इंटू वन प्लस उस पर्टिकुलर उस पी का पैरामीटर जो भी है उसका स्क्वायर। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। इधर क्या रखते हैं, जिस भी पॉइंट का निकालते हैं उस पॉइंट का पैरामीटर। तो इस पॉइंट का पैरामीटर टी वन है, लेट से टी वन है, चलो तो इधर मैं टी वन लिख दूंगा, तो मतलब ये हो जाएगा ए इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर, दिस इज माई पी आर। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखता हूं क्यू आर पे, तो क्यू आर क्या होगा, सिंपली जस्ट फोकस ऑन क्यू, अब भूल जाए एक मिनट के लिए पी आर कुछ है, जस्ट फोकस ऑन क्यू। तो क्यू आर क्या होगा, क्यू का फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, आर इज द फोकस। तो क्यू क्या, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू का फोकल डिस्टेंस। अच्छा, तो इसका पैरामीटर टी टू है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर। अब मुझे पता है कि सिंस दिस इज फोकल कॉर्ड, तो टी टू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, टी टू को रिप्लेस कर सकता हूं इधर से, जैसे मैंने अभी लिखा था माइनस वन बाई टी वन इस इक्वेशन से। सो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टी टू को लिख रहा हूं माइनस वन बाई टी वन, और उसका स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी वन बाय टी वन स्क्वायर क्यू आर। अब मैं इन दोनों को एड कर रहा हूं, जस्ट एड इट, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इज नथिंग बट माई लेंथ पी क्यू। तो फाइनली इधर से मेरे को इधर लिख लेता हूं मैं, पी क्यू लेंथ इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, तो ए इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस वन बाय टी वन स्क्वायर। ए कॉमन लिया तो तुम्हें मिलेगा टू प्लस टी वन स्क्वायर प्लस वन बाय टी वन स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो ए इंटू टी वन प्लस वन बाय टी वन का स्क्वायर, दिस इज वॉट माई लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जिसका एक पॉइंट टी वन है। गेटिंग इट, तो एक काम करते हैं आज का लेक्चर आज एम्प्टी करते हैं, खत्म करते हैं, और इसके बाद एक आध पॉइंट और रह गया वैसे छोटा सा थोड़ा सा, ठीक है दो पांच मिनट का पॉइंट और रह गया, तो मैं उसको कल ही कवर करूंगा, उसके साथ फिर हम जितना भी पढ़ा अभी तक हमने आज की क्लास में और जो भी कल स्टार्टिंग में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे हम काफी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, टू गेट अ बेटर फील ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड सो फार। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।